देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को रक्षा के बंधन में बांधने के लिए आज केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल वाघा सरहद पर पहुंची तथा जवानों को राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक देश की सुरक्षा इन जवानों के हाथों में रहेगी, कोई भी दुश्मन देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से भारत में नार्को टेररिज्म और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा कहा कि चाहे पड़ोसी मुल्क जो मर्जी कर ले, लेकिन उनकी हर हरकत का कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं हरदम तैयार है। आज सरहद के कोने कोने में बैठे हुए भाइयों को नमन करने के लिए, उनको दुआ देने के लिए आज इस खुशी के पर्व पे एक बहन इधर पहुंची है और ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारी बहनें जो आज अपने सरहद पे बैठे भाइयों को जो याद कर रही हैं, आज उनकी तरफ से अपने भाइयों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे बधाई देके उनको एक रखड़ी बांधी जा रही है इस दुआ के साथ कि हमारे ये भाई हमेशा आगे बढ़े, बुलंद रहे, बहादुर रहे और ईश्वर इनकी हमेशा रक्षा करें। जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, जिनकी कुर्बानी करके आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, आज उन भाइयों को नमन करके उनके बीच उनके साथ ये खुशी का त्योहार आज साझा करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। वी हैड नॉट स्टेज एनी धरना अगेंस्ट एनी BSF, अगेंस्ट एनी जवान, बिकॉज दीज आर द पीपल हु प्रोटेक्ट अस। If we had staged a dharna, it was against those anti-social elements which are being funded and supported by the enemies across the border who are trying to disarm, to destroy the peace and harmony of Punjab and of our country. The narco terrorism that is being sponsored by our enemies across the border, this was a dharna against them. And I'm happy to say that in the last 24 months, the government of India, Honorable Prime Minister, has taken many steps. There is a virtual wall which has been created even across the riverine areas which were being used by these people, and we are here to ensure that the government is going to support our personnel at the border so that they can guard our borders better. देखिए, जैसे मैं कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करी है कि देश को सबका साथ सबका विकास का नारा देके देश को कोने कोने को जोड़ा जाए, इसीलिए आज रक्षाबंधन के पर्व पे सारे मंत्रियों को सबको ये आदेश दिया गया कि आप अपने घर के भाइयों को बाद में सोचिए, पहले उन भाइयों को, उन वीर जवानों के बारे में सोचिए जिनकी देखिए जैसे मैं कह सकती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करी है कि देश को सबका साथ सबका विकास का नारा दे के देश को कोने कोने को जोड़ा जाए, इसीलिए आज रक्षाबंधन के पर्व पे सारे मंत्रियों को सबको ये आदेश दिया गया कि आप अपने घर के भाइयों को बाद में सोचिए, पहले उन भाइयों को, उन वीर जवानों के बारे में सोचिए जिनकी खातिर आज हम ये अमन शांति की, ये चैन की नींद सोते हैं और दिन और जीते हैं। सो इसलिए ये एक पहल करी गई इस सरकार से जिसको आए अभी सिर्फ 24 महीने हुए हैं कि हम ये प्यार का संदेशा कि आप ये ना समझे कि आप किसी कोने में अकेले हैं, लेकिन आज हर बहन की सोच आपके साथ है, उसकी दुआ आपके साथ है। देखे तुसी इस नू कोई सियासी रंगत ना दो, जिवें मैं थानू पहले भी किया, ए साडे ओ फौजी ने जिहड़े अपने जान हथेली च रख के BSF जिहड़े हैगे ए साडी सरहद दी राखी करदे ने। कुछ इहो जे हालात विरोधी हमेशा लभदे ने तौर तरीके जिहदे नाल ए नाको टेररिज्म फैलाण दी कोशिश उहनां दी रहिंदी है। तुसी देखिया किहो जे ड्रग्स असीं फड़े ने, पुलिस भी फड़ रही है, BSF भी फड़ रही है, सारा अपना काम कर रहे ने। जिथे ये अपने इरादे च कामयाब हो तो असि इन्हों बहुत हद तक रोक सकिया, ते आन वाले समय च जेड़े पहल किए गए ने उन्हें होर अगे बताया जाऊगा, ते बिल्कुल एहो जी एक दीवार खड़ी की जाऊगी। धरने धरने उन्होंने लोगों के खिलाफ सीगे जेड़ा बॉर्डर पारों नशा भेज के साडे सूबे की अमन शांति भंग करके देश नू बर्बाद करन दी कोशिश करदे, ए धरना उन्हां दे खिलाफ सी। मैं कांस्टेबल जितेंद्र कुमार 88 बटालियन BSF। सर, रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, अभी साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और खास तौर पे हमारे यहाँ पंजाब की लड़कियाँ, हम पंजाब में पोस्टिंग आए हैं और पंजाब की लड़कियाँ मतलब अपने भाई को, एक मतलब फौजी भाई को राखी बांधने आई हैं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इतने दूर दूर से लोग आए हैं लड़कियाँ बांधने के लिए राखी, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है सर। बस हम
घर से दूर, लेकिन हमारी बहन यहाँ पर हमारे को राखी बंधवाने के लिए आई। हमारे को बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिली आज कि हमारे बहन ने हमारे को राखी बंधवाया बॉर्डर पे। बहुत अच्छा लगा, आज हम खुशी का दिन मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो हमारी स्कूल के बहने आ रखी है, बहुत हमारे जवान को राखी बंधवाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बहुत वधिया लगा, एक अपनी भैन की रक्षा लई अपनी भैन को रखड़ी बनाऊंदा, बहुत वधिया लगा। बस मैं यही चाहनी हां कि जेडे BSF दे नौजवान वो साडी भी रक्षा करन ते अपनी भी रक्षा करन, बस उन्हां नूं साडी भी रक्षा करन दी लोड़।